हरियाणा के कई जिलों में गुरुवार को मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए ताकि मेले में आने वाले लोगों को हर एक सुविधा मुहैया हो सके। इसी कड़ी में चरखी दादरी के जिला उपायुक्त श्याम लाल ने स्टॉल का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में लघु सचिवालय परिसर में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग की ओर से लोगों की सहायता के लिए स्टॉल भी लगाए गए ताकि मेले में आए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी कड़ी में चरखी दादरी जिला के उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। जिला उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत जिले में 3 अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अंत्योदय मेले का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद गरीब लोगों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की ओर से दी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। अंत्योदय मेले में लोगों ने अपने फैमिली आईडी राशन कार्ड की समस्या का समाधान करवाया। जिला उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अंत्योदय मेले में सभी जरूरतमंद और गरीब लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जिला चरखी दादरी में जो हेडक्वार्टर पे मेला है, आज भी है कल भी है, तो 300 लाभार्थी अभी बुलाए जा रहे हैं इन मेलों में। उनको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद में उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। जिस भी स्कीम में उनकी रुचि है उसके अनुसार संबंधित विभाग कागजों को समयबद्ध तरीके से प्रोसेस करके बैंकों को भेजेगा। बैंक अपना फिजिबिलिटी देख के उसमें, और एक वैलिड यदि रीजन किसी का है कि नहीं, सिविल का डिफॉल्ट है या कोई और कोई अन्य वैलिड कारण ही दिए, तो ही उसको रिजेक्ट कर पाएंगे। और चूँकि अभी सर्विस एरिया अप्रोच का कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, इसमें कोई सा भी बैंक कहीं भी फाइनेंस कर सकता है। इस बारे में हमने कल भी बैंकों के साथ बैठक करी थी और आगे भी उनको हिदायत कर रहे हैं, और हम इंश्योर करवा रहे हैं कि जितने लोन अधिकाधिक संख्या में लोगों के सैंक्शन हो और जो सैंक्शन है वो डिसबर्समेंट में। वहीं नूह जिले में भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस उत्थान मेले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए जा रहे मेले में करीब 275 लोगों ने आवेदन कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रुचि दिखाई है। तो वहीं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुरजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में पशु लोन के अलावा दुकान खोलने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मेले में पहली बार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। उद्योग जगत में भी पढ़े लिखे युवाओं को काबिलियत के हिसाब से नौकरी दिलाई जाएगी। गरीब परिवारों की न्यूनतम आय को 1,80,000 रुपए वार्षिक करने का सरकार का मकसद है। कुल मिलाकर गरीबी को दूर किया जा सके, इसीलिए इन मेलों का आयोजन कराया जा रहा है। 2022 से 23 से 2022 दो दिन का मेला लगाया जा रहा है। जो बेनिफिशियरी है उनको डोर टू डोर जाकर इतला कर दी गई है। मौका प्राप्त अपना फार्म प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनकी सभी स्थान सभी विभागों ने अपना बैनर वगैरह लगा के काम शुरू कर रखे है। जिस योजना में बेनिफिशियरी इच्छुक है उनसे पूछकर उसी योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित में कई नेक पहल चला रही है ताकि गरीब जरूरतमंदों को इन सब योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।